जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का विचार है, उसी के लिए जीवन में अपने को, अपने परिवार को सुरक्षित रखकर जितना काम कर सकते उतना करना चाहिए, वही कोशिश मैं लगातार करते रहूंगा। नागपूरचे खासदार व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा आज वाढदिवस। आज वाढदिवसाच्या निमित्ताने त्यांच्या घरी भाजपचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते व नागपुरातील जनतेने शुभेच्छा देण्यासाठी गर्दी केली। नितीन गडकरी हे सर्वांच्या शुभेच्छा स्वीकारत आहेत। तसेच नितीन गडकरी यांनी आज वाढदिवसाच्या दिवशी एक संकल्पही केला आहे। मेरे ऑफिस में मैंने अपने सामने एक वाक्य संस्कृत में वर्णेकर जी के गीत का लिख के रखा है। वो गीत है, मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम। मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक से पिछड़ा हुआ है, ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का विचार है, उसी के लिए जीवन में अपने को, अपने परिवार को सुरक्षित रखकर जितना काम कर सकते उतना करना चाहिए, वही कोशिश मैं लगातार करते रहूँगा। कल मैं अकोला में जा रहा हूँ, वहाँ हमारे 75 साल जो पूरे हुए हैं उसमें अमृत सरोवर की प्रधानमंत्री की योजना है, उसमें से 20 सरोवर का कल पंजाब राव कृषि विद्यापीठ अकोला में और वेटरनरी यूनिवर्सिटी बोरगांव मंजू का उद्घाटन है। और मैं ये संकल्प करूँगा कि NHAI के तरफ से इस साल में 75,000 अमृत सरोवर हम बनाएंगे और प्रधानमंत्री के मिशन में हम मदद करेंगे, उनका सपना पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे।